तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टी टी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नरवाल गोल्डन क्लब वर्सेस वॉरियर एन्ना कबड्डी एकेडमी मैच के बारे में, जहाँ पर इस कबड्डी के मैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए कौन सा प्लेयर पिक करना है, कौन सा प्लेयर ड्रॉप करना है। और दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको ड्रीम टीम भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। वैसे दोस्तों, मेरी प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छी खासी चल रही है फिलहाल, आप देख सकते हैं। मैंने कबड्डी ट्राई की थी, आज फर्स्ट टाइम की थी मैंने करके, आप वीडियो चेकआउट मार सकते हैं। ये मेरी पहली वीडियो थी कबड्डी की, और इस कबड्डी के मैच में मैंने 414 पॉइंट किए थे, और एसएल के लिए टीम थी दोस्तों, तो इससे बेस्ट टीम मेरे हिसाब से तो हो ही नहीं सकती है। ड्रीम टीम के भी आप पॉइंट चेक कर सकते हैं, केवल 487 पॉइंट है। और मैंने जो आपको एसएल के लिए टीम दी थी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि 414 पॉइंट्स है। तो जिसने इस टीम में इन्वेस्ट किया होगा उसने अच्छा खासा विन भी किया होगा। लेकिन दोस्तों, जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए दोस्तों। तो मैं बात करूंगा कि एनजीसी और वाका ने, मतलब मैं शॉर्ट में कह देता हूँ, एनजीसी वाका ने कितने मैच प्ले किए, कितने मैच हारे और कितने मैच जीते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एनजीसी के बारे में, तो एनजीसी ने अभी तक 4 मैच प्ले किए हैं और 4 के 4 मैच इन्होंने हारे हैं। काफ़ी ख़राब टीम है दोस्तों, केवल एक प्लेयर को छोड़कर, हिमांशु सूरजमल को छोड़कर, तो काफ़ी अच्छी खासी टीम होने वाली है। और वाका के बारे में बात करूँ तो वाका ने दोस्तों अभी तक वॉरियर एरेना कबड्डी अकेडमी के बारे में, तो इन्होंने अभी तक 4 मैच प्ले किए हैं, जहाँ पे 2 में विन और 2 में लॉस का सामना किया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी खासी टीम है, तो हम इनके प्लेयरों के बारे में बताएंगे। जैसे कि जो वाका से हैं वो आकाश काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं, एनजीसी से काफ़ी सूरजमल काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों आपके पास इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में, कि आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या कुछ रखें। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कबड्डी में 5 लाख की जेल होती है, क्रिकेट की तरह नहीं कि 5 करोड़ 10 करोड़ की हो जाती है, और कबड्डी में बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन अभी बिल्कुल भी नहीं है। क्रिकेट में तो हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है दोस्तों, लेकिन कबड्डी की नॉलेज अभी किसी के पास भी नहीं है। तो आप 25 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, आप 20 टीम लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एसएल की टीम प्रोवाइड करवाऊंगा, अगर आप मुझे कहेंगे आप जेल की टीम प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं आपको जेल की भी अच्छी खासी टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टीम के बारे में आपको टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको मैं 20 टीम में प्रोवाइड कराऊँ कबड्डी की, तो आप कन्फर्म मोटा विन करेंगे दोस्तों, कन्फर्म मोटा विन करेंगे, क्योंकि मैं आपको अच्छी खासी टीमें प्रोवाइड करवाऊंगा। क्योंकि 7 तो प्लेयर होते हैं, और 7 प्लेयर में कम से कम एक प्लेयर 3 बार में कैप्टन रखूंगा और वो चल जाता है, तो हम कन्फर्म जेल विन करेंगे ही करेंगे। बाकी फिलहाल मैं एसएल की टीम प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपका एसएल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात की जाए ड्रीम टीम के बारे में, जो मैं बना चुका हूँ और इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम में कौन से डिफेंडर, कौन से ऑलराउंडर और कौन से राइडर को चूज करना है। मैंने यहाँ पर 3 डिफेंडर, 2 ऑलराउंडर और 2 राइडर को चूज किया है, आप चेकआउट मार सकते हैं, मैंने पर राइट किया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं एनजीसी के कैप्टन दीपक के बारे में, तो दीपक पिछले मैच में काफ़ी फ्लॉप रहे थे, लेकिन इनको हल्की मैम नहीं लग सकते। आप देख सकते हैं इनके सेकंड और थर्ड मैच में ड्रीम टीम में थे, लेकिन पिछले मैच में काफ़ी फ्लॉप रहे थे, इनका एक भी मतलब अच्छा खासा पॉइंट्स नहीं रहे थे। तो आप दीपक को अपनी टीम के ट्राई कर सकते हैं, वो आप एसएल में भी ट्राई कर सकते हैं, आप जेल में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि टीम के कैप्टन है और काफ़ी अच्छा खासा खिलाड़ी भी है, सिर्फ एज अ प्लेयर आप इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अगर हम जीएल में इन्वेस्ट करें तो अपनी टीम में हो सके तो कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बना सकते हैं, अगर हम 20 से टीमें बना रहे हैं तो। मैं आशीष के बारे में बात करूं तो दोस्तों, आशीष की काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, और पिछले मैच में भी 28 पॉइंट्स थे इनके, जहां पर 3 सक्सेसफुल टैकल किए थे इन्होंने। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा सा प्लेयर है, आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, वो जीरो फिर वो एसएल हो। बाकी फिलहाल मैं आपको एसएल की टीम प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर आपको जीएल की टीम में चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पर जीएल की टीम में प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, मैं बात करूँ विजेंद्र के बारे में, तो रोहित विजेंद्र ने पिछले दोनों मैचों में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। पिछले मैच में आप चेकआउट मार सकते हैं, इन्होंने 3-4 सक्सेसफुल टैकल किए थे। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा प्लेयर है, और हमें ऐसे ही प्लेयर की जरूरत पड़ने वाली है अच्छा खासा विन करने के लिए। तो मैं बात करूं ऑलराउंडरों के बारे में, तो ऑलराउंडर दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 ऑलराउंडर उठाए हैं, दोनों ही मैंने डब्ल्यू ए के दोनों ही मैंने वाका से उठाए हैं। बाकी दोस्तों, एक बार लाइनअप आ जाने दीजिए, क्योंकि हमारे पास रेडर में दोनों ही टीमों से एनजीसी के लिए ऑप्शन है, हमारे पास रेडर में कोई भी वाका से अच्छा खासा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सतबीर को तो प्ले का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। अगर सतबीर को प्ले का मौका दिया जाएगा तो हम राकेश किस गए इनको अपनी टीम में उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों, सतबीर को मुश्किल मुझे मौका लग रहा है, क्योंकि 4 एक भी मैच में इनको प्ले का मौका नहीं दिया गया है, और पवन को भी एक भी मैच प्ले का मौका नहीं दिया गया है दोस्तों अभी तक। और सुरेश के बारे में बात करूं तो इनको केवल 3 मैच प्ले करवाए गए हैं, और पिछले मैच में टीम से ड्रॉप थे, उनका परफॉर्मेंस भी काफी खराब रह रहा है, आप चेकआउट मार सकते हैं। तो दोस्तों,
बात ऑलराउंडर के बारे में, तो मैंने पे करमबीर और आकाश को उठाया है। करमबीर के बारे में बात करूँ तो दोस्तों पिछले मैच में आप चेकआउट मार सकते हैं, इन्होंने 6 सक्सेसफुल रेड किए थे और 2 सक्सेसफुल टैकल भी किए थे। तो दोस्तों हमें ऐसे ही प्लेयर की जरूरत पड़ने वाली अच्छा खासा विन करने के लिए, क्योंकि हमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कुछ कमाएं भी, और आप मुझे फॉलो करोगे तो अच्छा खासा कमाओगे भी। दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों मैं बात करूँ आकाश के बारे में, तो दोस्तों ये प्लेयर कुछ ऐसा प्लेयर है आपको आप इनकी टीम में इनको जरूर रखना ही रखना है, क्योंकि ये फिलहाल काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस में है। और हो सके तो अगर आप जेल में लिफ्ट कर रहे हो तो आप इनको कैप्टन भी बना सकते हैं, अगर आप एसएल में लिफ्ट कर रहे हो तो आप वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। कैप्टन तो दोस्तों आपके लिए एक ही चॉइस होने वाली है, हिमांशु सूरजमल। तो वो काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं हिमांशु सूरजमल, जिनके बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो आकाश के बारे में बात करूँ तो आप चेकआउट मार सकते हैं, पिछले मैच में 6 सक्सेसफुल रेड किए थे और 1 सक्सेसफुल टैकल भी किया था। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा प्लेयर है, आप इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा ही रखिएगा। और करमबीर के बारे में आपको बता चुका हूँ, आप चेकआउट मार सकते हैं, इन्होंने 2 सक्सेसफुल टैकल किए थे और 6 सक्सेसफुल रेड भी की थी। तो दोस्तों आप बात रेडर के बारे में, तो मैंने आप 2 रेडर को उठाया है, दोनों ही नरवाल क्या कहते हैं NGC टीम से उठाए हैं, सूरजमल और राकेश को। अगर हमारे पास राकेश को ड्रॉप करते हैं, अगर हमारे सतवीर का ऑप्शन ओपन हो जाता है, क्या पता इनको प्ले का मौका दिया जाए, तो काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं, आप इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा ही रखिएगा। अगर इन्हें प्ले का मौका दिया जाएगा तो आपको वैसे मैं टीम प्रोवाइड करवाने वाला हूं, लेकिन आप मुझे फॉलो ना करें तो अगर इनको सतवीर को प्ले का मौका दिया जाए तो आप राकेश इनको भी प्ले का मौका दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही रेडर NGC उठाए हैं और दोनों ही अराउंडर मैंने WKE से उठाए हैं, WKE से उठाए यानी कि वाका से उठाए हैं। तो रेडर के बारे में बात करूँ हिमांशु सूरजमल के बारे में, तो दोस्तों इस प्लेयर का कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि ये प्लेयर फिलहाल जितनी परफॉर्मेंस में है मुझे लगता है कि जल्दी ये प्लेयर प्रो कबड्डी का प्लेयर मतलब कह सकते हैं दोस्तों, काफ़ी खतरनाक प्लेयर है, प्रो कबड्डी प्लेयर कह सकते हैं आप इन्हें। आप देख सकते हैं हर मैच में दोस्तों, हर मैच में सक्सेसफुल कर दिखा रहे हैं, 17 सक्सेसफुल रेट हैं दोस्तों, 17 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो मेरा मानना है कि आप इन्हें अपनी टीम का कैप्टन ही रखें, चाहे वो जेल हो फिर वो SL हो, आप इनको अपनी टीम से भूल के भी ड्रॉप मत कीजिएगा। अगर आपको जेल विन करना है तो आप SL में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको अपनी टीम इनको रखना ही रखना है। और मैं बात करूँ राकेश के बारे में, तो राकेश ने पिछले मैच में दोस्तों ड्रीम टीम में थे नहीं थे लेकिन 24 से 25 पॉइंट जरूर ले लिए थे इन्होंने, आप चेकआउट 29 पॉइंट थे, माफ़ कीजिएगा मैं 25 बोल रहा था, आप सक्सेसफुल 7 रेड हैं, ड्रीम टीम में ना हो लेकिन 7 सक्सेसफुल रेड बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा ही रखिएगा। तो कंटिन्यू, अब सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हम कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाएं, क्योंकि हमारे लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्लेयर चूज करना कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों अपनी टीम के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कैप्टन और वाइस कैप्टन कि हम किसको बनाएं। तो दोस्तों आपको कैप्टन आपके लिए एक ही चॉइस होने वाली है दोस्तों इस मैच में, अगर आप 20 भी टीमें जीएल के लिए बना रहे हैं तो कम से कम भी 8 से 9 टीमों में हिमांशु सूरजमल को ही अपनी टीम का कैप्टन रखिएगा, 8 से 9 टीमों में। और अगर आप वाइस कैप्टन के लिए चॉइस ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए खास काफी अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है, तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, कैप्टन सूरजमल हिमांशु सूरजमल को और वाइस कैप्टन आकाश को, तो हम टीम को सेव कर देते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत के एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टीम के बारे में 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।